नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और इस वक्त मैं हूं अशोक तिवारी। अभी ये बड़ाहरा विधानसभा है और बड़ाहरा विधानसभा के कर्मठ और जुझारू उम्मीदवार मंजी शाह बाग हमारे साथ मौजूद है और तमाम गतिविधियों से अवगत होकर बड़ाहरा विधानसभा के हर गांव को विजिट करने का ये प्रयास कर रहे हैं और इन्होंने ठानी है कि अब की बार नई सरकार बनानी है, युवाओं को अपनाना है। आइए जानते हैं क्या इनकी रणनीति है और कैसे बड़ाहरा विधानसभा में विधायक बनेंगे, क्या योजना है। जी स्वागत है, तमाम दर्शक आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे, कैसे आपने ठाना है कि इतना जबरदस्त तरीके से जहां पर इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां यहां पे चुनावी मैदान में है, एनडीए है, एनडीए से बीजेपी से राघवेंद्र प्रताप सिंह है, आपको राजद से सरोज यादव है, इसके अलावा भी आशा देवी भी निर्दलीय इसमें इस समय रण में है, तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि इस इतने भयावह जो स्थिति बनी हुई है इसमें मंजी शाह बाग अपना सीट निकाल पाएंगे, क्या बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं ये आपके इस चैनल के जितने भी सदस्य हैं और आपने जो अपना बहुमूल्य समय निकाल करके जो देश के चौथे स्तंभ हैं आपके माध्यम से, आप सबों के माध्यम से हमारी आवाज़ आज इस बड़ाहरा विधानसभा के साथ साथ पूरे बिहार प्रदेश, पूरे हमारे देश और दुनिया में गूंज उठेगी। इसलिए सबसे पहले तो मैं अशोक बाबा आपको और आपके चैनल के सभी सदस्य को ढेर सारी शुभकामना, बधाई और आप सबों के उज्जवल भविष्य की भी कामना मैं अपने गुरु श्री पहारी जी महाराज जी से करता हूँ। मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मैंने लोगों के दुख सुख को अपना दुख सुख समझकर सेवा करते आ रहे हैं और भविष्य में भी सेवा करने के लिए संकल्पित हैं, वचनबद्ध हैं, युवाओं ने ठाना है कि अब की युवा का राज होगा, गार्जियन का आशीर्वाद होगा, युवाओं का राज होगा, बेरोजगार नौजवान साथियों के वर्दी पर डबल स्टार होगा। देखिए मेरे बड़े भाई के समान जो शेर सिंह राणा भैया है, भैया शेर सिंह राणा भैया को कौन नहीं जानता, जो इतना कम उम्र में इतना ख्याति और फेमस हुए, लोकप्रिय हुए। कुछ लोग साजिश के तहत उनके बारे में कुछ कुछ लोग कहते रहते हैं। आज भैया का आशीर्वाद है कि ये पिछड़ा अति पिछड़ा का बेटा जो सभी समाज को लेकर चलता है, सभी समाज को मान सम्मान देने का काम करता है, तो इस बेटा को यदि किसी ने इज्जत अपमान सम्मान प्रतिष्ठा देने का कोई काम किया तो ये बड़ाहरा विधानसभा वीरों की धरती पर मेरे बड़े भाई के समान शेर सिंह राणा राजपाल भैया की शेर सिंह राणा भैया जिंदाबाद जिंदाबाद मंजीत साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से वो इंसान, वो तो सचमुच में भगवान है, कहने को तो बहुत लोग भगवान हैं। हमने पीछे राजद के नेता रह चुके हैं, हमारे गार्जियन के समान थे लालू जी, है भी भाई गार्जियन के समान है, आज भी है, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, लेकिन कुछ लोग तोड़ रहे हैं, पार्टी को भी खंडित कर दिए। देखिए स्थिति क्या है आज बड़ाहरा विधानसभा में, क्या दिखाई दे रहा है। बड़ाहरा विधानसभा तो 70 साल पीछे चला गया है। रोड की स्थिति देखिए, शिक्षा की स्थिति देखिए, चिकित्सा की स्थिति देखिए, रोजगार की स्थिति देखिए, मजदूरों की स्थिति देखिए, किसानों की स्थिति देखिए। लोग अपनी पेट पालने पर मजबूर हो गए हैं। ये डबल इंजन की सरकार की रीति वही है। आई जो विपक्ष की सरकार है उसका भी विचारधारा पहले जैसा नहीं रह गया है, विचारधारा तो बिल्कुल बदल गया है। अच्छा मंजी बाबा, जानना चाहेंगे कैसे आपको लगा कि मुझे निर्दलीय या फिर राजपा से टिकट लेके चुनाव लड़ना चाहिए, आप तो राजद के कर्मठ कर करता थे, क्या ऐसी नौबत क्या है। अरे भैया, हमको सिंबल मेरी पार्टी ने नहीं दी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे बड़ी सिंबल मैंने जनता से राय लेने का काम किया। मुझे आश्वासन दिया गया था, मैंने अपने विधानसभा में केवल चुनाव ही नहीं, मैं तो सेवा करने के लिए समर्पित हूँ। चुनाव तो जगह की बात है, मैं जनसंपर्क अभियान चला रहा हूँ, लोगों से मिल करके मैं अपनी पहचान बना रहा हूँ, लोगों से परिचय ले रहा हूँ, लोगों को परिचय दे रहा हूँ, अपना नंबर दे रहा हूँ, लोगों का नंबर ले रहा हूँ, ताकि लोग हमसे जुड़े, हम लोगों से जुड़े और लोगों के दुख सुख में
हम जाएं और हमारे दुख सुख में सभी लोग आएं और हम लोग एक दूसरे के पूरक बने और ये बढ़हारा विधानसभा से एक संदेश जाए इस पूरे बिहार, इस पूरे हिंदुस्तान में कि समरस समाज बनाना है, कमजोर शोषित पीड़ित को हक दिलाना है, महिला विरुद्ध लाचार को सहायता पहुंचाना है, बच्चों को उचित शिक्षा दिलाना है, बेरोजगार नौजवान साथियों को रोजगार दिलाना है, हर घर में रोजगार दिलाना है, किसानों को खाद बीज मुफ्त कराना है, किसानों का कर्ज माफ करवाना है। मैंने बताने का काम किया पहले, गार्जियन का आशीर्वाद होगा, युवाओं का राज होगा, गार्जियन का आशीर्वाद होगा, युवाओं का राज होगा, और जितने भी बेरोजगार नौजवान साथी है उनके वर्दी पर डबल स्टार होगा, डबल स्टार दरोगा के वर्दी पर होगा। अभी की जो स्थिति है वह बनी हुई है जहाँ पे राघवेंद्र प्रताप सिंह भाजपा के प्रत्याशी हैं, सरोज यादव जो कि आरजेडी से लड़ रहे हैं, जन अधिकार पार्टी से रघुपति यादव भी लड़ रहे हैं, आशा देवी भी निर्दलीय कैंडिडेट है, ये इतने सारे लोग हैं और भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं जिनका हम नाम नहीं जानते हैं, नहीं बता सकते हैं, लेकिन इस विकट परिस्थिति में ऐसे ऐसे लोगों के साथ आपको लड़ना है, क्या लगता है कितना परसेंट बढ़हारा की जनता आपका साथ देता है? हमको उन लोगों से नहीं लड़ना है, मेरा कोई अरे भाई क्यों पड़े हो उन लोगों के चक्कर में, कोई नहीं है मंजी के टक्कर में, क्यों पड़े हो राजद भाजपा जदयू जाप फाप के चक्कर में, कोई नहीं है भाजपा के टक्कर में। ये शेर सिंह राणा भैया का एक ही नारा है कि चुनाव नहीं ये रण होगा, ये चुनाव नहीं रण होगा, कैसा रण, झगड़ा लड़ाई, ये नहीं चुनाव नहीं रण होगा, जिंदाबाद राजद किसी को टिकट देने का काम है तो कोई भाजपा टिकट देने का किसी को काम की है तो जाप किसी ने टिकट देने का, अन्य पार्टियां विभिन्न विभिन्न लोगों को टिकट देने का काम किया है, आपकी बढ़हारा विधानसभा की जनता ने अपनी मूड बना लिया है और ये तय करके मंजी शाहबाग को शेर सिंह राणा का आशीर्वाद होगा और ये सिंबल जनता ने दिया है, निर्दलीय किसे करें, ये जनता का सिंबल दिया हुआ। जानना चाहेंगे मंजू बाबू, चूंकि तमाम लोग आपके साथ हैं जैसे कि आपने बताया, क्या लगता है यदि आप यहाँ की जनता, बढ़हारा विधानसभा ने आपको सपोर्ट किया, बढ़हारा विधानसभा की आम जनता ने आपको विधायक बना दिया, तो आप यहाँ की जनता के लिए क्या सोचेंगे, क्या करना चाहेंगे? अरे जितना 70 साल पीछे गया है बढ़हारा, उतना हम मात्र वादा नहीं वचनबद्ध है कि मात्र 2 से 2.5 साल चलाएंगे और फिर पैहारी जी महाराज जी की कुटिया के शरण में चले जाएंगे। 2-2.5 साल हमारे लिए काफी है, 2-2.5 साल में तो रूपरेखा बदल देंगे, हर एक गांव शहर होगा। देखिए आज नेताओं की स्थिति, आज जो पक्का पुल बनने वाला था मौली घाट पर, आज देखिए पक्का पुल कहाँ चला गया, और सब 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 लोगों जेब में रख लिया, पक्का पुल बनने वाला था मौली घाट पर, अब पक्का, अरे भाई बनाइए ना पक्का पुल, सभी जगह जरूरी है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है जहाँ, लेकिन मौली घाट पर जरूरी है कि नहीं, जहाँ 2 राज्यों को जोड़ता है बिहार और उत्तर प्रदेश, जो 2 संबंधों को जोड़ता है, अति आवश्यक है। कितनी बार घटनाएं हो चुकी हैं गंगा नदी में, कितनी नाव डूब गई, कितनी नाव को डूबने के वजह से कितने लोग हमारे पंचायत के साथ साथ अदर पंचायत के लोगों को भी इस स्थिति का, विकट स्थिति का सामना करना पड़ा है। देखिए तो यहाँ पर पक्का पुल जरूरी नहीं है तो कहाँ पक्का पुल जरूरी है, क्यों नहीं सेंशन होता है, क्यों नेताएं मुकुर जाते हैं, क्यों सदन में जाकर के कायर की भांति चुपक जाते हैं। मैं जानना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले प्राथमिकता होगी कि जब हम जाएंगे विधानसभा में, मेरी जनता ने यदि मुझे जितवा कर भेजती है तो पहला आवाज ये पक्का पुल का रहेगा, दूसरी आवाज ये जो गंगा नदी का कटाव है, दिन प्रतिदिन देखिए हम लोग विस्थापित हैं, हमारी पूरी जनता विस्थापित है, बढ़हारा विधानसभा कटाव के भय से भय व्याप्त रहती है, हर एक साल गंगा के गोद में हम लोग हमेशा जाते रहते हैं। ऐसी स्थिति है कि देखिए कटाव रोधी कार्य होना चाहिए, कटाव रोधी कार्य भी हो रहा है, बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है बाबा कि मेरी जनता भी आज सामने है, देख लीजिए हम कोई चुपका नहीं बोल रहे हैं कि कटाव रोधी कार्य भी कहीं हो रहा है तो अपना जेब गरम कर रहे हैं लोग, सही से काम कहां हो रहा है, सभी जगह रिश्वतखोरी है, सभी जगह रिश्वतखोरी है, ब्लॉक हो या जिला हो,
यहाँ से ब्लैक देखिए आज दारू बंद करवा करके बालू बंद करवा करके दारू पर भी हम प्रश्न उठा रहे हैं इस सरकार से। दारू कहाँ बंद है हर घर में, ये ब्लैक ब्लैक मनी माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी कमा रहे हैं, डबल इंजन की सरकार कमा रही। बालू की देखिए व्यवस्था, बालू बंद करके जो मजदूर अपना पेट पालता था किसी भी तरह वो भी बेरोजगार हो गया। सरकार कहती है रोजगारों को रोजगार देंगे, अरे सरकार कहाँ रोजगार दे रही है? हम कोनो अशिक्षित थोड़े हैं, हम भी तीनों सेना का बहाली किए हैं सर, जल थल वायु तीनों, और तीनों में सफलता प्राप्त किए हैं। 2010 में हम करतार कोचिंग सेंटर पटना के स्टूडेंट रहते हैं। आप जीतेंगे, आप यहाँ के विधायक बनेंगे तो आप क्या करेंगे यदि आप यहाँ के विधायक होते हैं युवाओं के लिए? हम इतना जानते हैं कि युवा किसी के दरवाजे पर हाथ पसारने नहीं जाएगा, हर युवाओं को रोजगार, हर घर में रोजगार, हमारे साथ मंजी शाह उर्फ बाघ, बाघ के नाम से जाने जाते हैं मंजी शाह, और सही में बाघ वाली ललकार, आक्रोश भी बाघ जैसा दिख रहा है और काफी आक्रोशी दिख रहे हैं। किसी दल किसी पार्टी में पहले थे और काफी जबरदस्त तरीके से इन्होंने वहां से टिकट लेने का प्रयास किया, लेकिन आम जनता ने कहा कि क्यों टिकट के चक्कर में पड़े हैं जब हम आपके साथ हैं, तो आप किसी भी दल से आइए या निर्दलीय आइए, हम आपके साथ हैं। और इन्होंने ठानी है कि अब की बार युवाओं को लेके एक नई इतिहास बनानी है और काफी जबरदस्त तरीके से शायद कुछ करना चाह रहे हैं। बाबा मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग सर्वे करा लीजिए, आप लोगों से क्या छिपा हुआ है। सही में हम कह रहे हैं कि कोई नहीं है, क्यों पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्या मेरा बात फाल्स है? कहने को हाकने के तो सब नेता जीतता है, जे अवतत से जीतता है, जे नॉमिनेशन करा ले लसके हुई नहीं के कहत कि हम हारत नहीं, सभी लोग कहत कि जीतत नहीं। तो भाई हारी के केहू हारहू वाला तो चाही, तो जनता तय कर देगी कि अब की हमको कैसा। पार्टी का सिंबल राजद भाजपा जाप का सिंबल बरियार है कि जनता का दिया हुआ सिंबल बरियार है, जनता खुद तय करेगी कि हमारा सिंबल जनता के हाथ में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और शेर सिंह राणा जिंदाबाद, और बड़हरा विधानसभा की सम्मानित जनता जिंदाबाद। सुंदर तरीके से और शेर सिंह राणा जिंदाबाद, जिंदाबाद शेर सिंह राणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद शेर सिंह राणा जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बड़हरा विधानसभा की जनता जिंदाबाद। निश्चित तौर से बड़हरा विधानसभा ने निर्णय लिया है कि मंजी शाह को विधायक बनाना है, ऐसा इनका आत्मविश्वास है, और इनका कहना है कि बहुत ही सुंदर तरीके से आम जनता हमारे बीच है और हमारे साथ है, हमारा सपोर्ट कर रही है। जो भी लोग कह रहा है कि नहीं हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, वो तो आम जनता बताएगी कि कौन जीत रहा है। आप निश्चित तौर से ये इनका कहना है कि जो ये मुझे सिंबल मिल रहा है ये जनता के द्वारा सिंबल मिल रहा है, और जो हमारा मेहनत है, हमारी कर्मठता है, हमारी ईमानदारी है, सही में यदि सार्थक है और सार्थक रास्ते पर हम चल रहे हैं तो हमारे साथ आम लोग हैं, और जब जनता मेरे साथ है तो मुझे किसी टिकट की परवाह नहीं है, किसी पार्टी की परवाह नहीं है, हम आगे जा रहे हैं और हम जीतेंगे, ऐसा विश्वास है। बाबा रिक्वेस्ट है जी कि आप सर्वे कराइए, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग देश के चौथे स्तंभ हैं, रिक्वेस्ट है कि आप सर्वे करा लीजिए कि जिस क्षेत्र में हम लोग निकल रहे हैं, अपना अपना व्यवहार होता है भैया, देखिए इस कम उम्र के नौजवान जो अपना लोगों ने अपना नेता नहीं बेटा भाई भतीजा समांग के रूप में एक जनता का सच्चा सेवक असली सेवक के रूप में दुलार प्यार दे रहा है कि नहीं। देखिए जदयू भाजपा राजद जाप सभी पार्टियों के कार्यकर्ता टूट टूट कर मंजी शाह के दीवाने और मंजी शाह को अपना भाई भतीजा समांग बेटा बनाने के लिए तैयार है कि नहीं, थोड़ा सर्वे करा कर। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप देख रहे हैं अभी बड़हरा विधानसभा में तमाम जनता इनके साथ है और काफी ही दृढ़ विश्वास के साथ संकल्पित होकर मंजी शाह आगे बढ़ रहे हैं, और इनका विश्वास है कि निश्चित तौर से यहाँ की जनता हमारा साथ देगी। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग हैं, ये जानते हैं क्या नाम हुआ आपका, क्या लगता है मंजी शाह का क्या पोजीशन है आपके यहाँ? आप लोग मंजी शाह के साथ हैं, आप क्या बताना चाहेंगे मंजी शाह आपकी बार जीतेंगे बड़हरा विधानसभा? जीतेंगे, आइए आइए
आपका क्या पद हुआ? जी मेरा उप मुखिया। अच्छा, ये मंजीत शाह का क्या पोजीशन लग रहा है, जीतेंगे यहाँ से? एकदम जीतेंगे। लोग बता रहा है कि मंजीत शाह हवा में बोल रहे हैं, जीतेंगे नहीं? एकदम सर्वे करा करके देख लीजिए। आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? एकदम सपोर्ट कर रहे हैं। आप क्या बताना चाहेंगे बाबा? हम लोग तो चाहते हैं कि मंजीत शाह जीतेगा, जीत रहेगा। क्यों चाहते हैं मंजीत शाह को, क्यों चाहते हैं? और भी नेता खड़े हैं, विधायक चाहते हैं, विधायक आप बनाना चाहते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, आपको लगता है कि अच्छा काम करेंगे विधायक? चलिए आइए, और भी लोग हमारे साथ हैं। आप तो युवा है, आप क्या चाहते हैं, मंजीत शाह को जिताना है या किसी और को? मंजीत भैया को ही जिताना है और बढ़हरा का विधायक बनाना है, क्योंकि ये हमारी आवाज बनकर जाएंगे और हम लोगों को बेरोजगारी से मुक्त करवाएंगे। और यहाँ तो सरोज यादव भी खड़े हैं, राघवेंद्र प्रताप सिंह खड़े हैं, आशा देवी खड़े हैं, बोलो हमारे लिए कुछ किए ही नहीं तो हम लोग को क्यों चाहेंगे? आपको लगता है कि ये कर सकते हैं? ये कर सकते हैं, वैसे ही उम्मीदवार है। चलिए ये कर सकते हैं, आप क्या कहते हैं, मंजीत शाह कर सकते हैं कुछ बढ़ारा विधानसभा के लिए? अवश्य करेंगे। लगता है वो एनर्जी दिखती है आपको? जी दिखती है, तभी तो बोल रहे हैं। आप लोग साथ दे रहे हैं इनका? एकदम। आपकी मंजीत शाह को जिताना है? जिताना है। आप क्या कहेंगे? जी हम तो मंजीत भैया को इस बार जिताना चाहते हैं। आप चाहते हैं जिताना? क्यों चाहते हैं? मंजीत साहब में ऐसी क्या क्वालिटी? मंजीत साहब में बहुत ऐसी क्वालिटी है कि वो हमारे बढ़ारा क्षेत्र को आगे ले जाएंगे, क्योंकि आपने फिलहाल में अभी मुखिया प्रतिनिधि है और ये आपने क्षेत्र में मतलब पंचायत में बहुत ऐसे काम किए हैं, ये देख कर हम लोग चाहते हैं कि बढ़ारा में विधायक बने, कि हम लोग के बढ़ारा पूरा बढ़ारा को बदल दे। चलिए बढ़ारा को बदलने के लिए आप चाहते हैं कि विधायक बने, आप बताइए आप क्या चाहते हैं? मंजीत साहब को विधायक बनाना है? बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं? चाहते हैं कि हम लोग के काम करेंगे, हम लोग के साथ लड़ेंगे, जो भी चाहेंगे वो करेंगे। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि नहीं ये हवा में घूम रहे हैं, जीतेंगे नहीं? नहीं नहीं, हवा में नहीं घूम रहे हैं, सही सही सच्चाई सच्चाई, यानी कि जो बोल रहे हैं वो विपक्षी हो? विपक्षी हो गए, बहुत आदमी बहुत तरह के बात कहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मंजीत साहब जीतेंगे सर। मंजीत साहब जीतेंगे? जीतेंगे। आप लोग का साथ है? साथ है। आप क्या बताएंगे? हेलो, आपके तो पुत्र हैं वो, अब क्या लगता है कि मंजीत साहब आपके पुत्र जो हैं अब की बार बढ़हरा विधानसभा में? जी पहले तो हम जो हमारे समक्ष जनता जो उपस्थित है उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और मीडिया ग्रुप में आपको भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि क्योंकि हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। मंजीत साहब एक ऐसा नौजवान है, माता पिता के इकलौता लड़का है, मैं हार्दिक दिल से कहता हूँ कि पूरा बढ़हरा विधानसभा के गोद में अपने लड़का को डाल दिए हैं, इसलिए हम पूरा बढ़हरा विधानसभा के जनता से अपील करेंगे कि जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं और पहले भी जीत चुके हैं उनको कर्म क्रिया देख लीजिए। मंजीत शाह ऐसा लड़का है, अपने पंचायत में नहीं अदर पंचायत में भी जाकर के हर जो भी रोगी होता है उसको अपने स्कॉर्पियो से लेकर के हॉस्पिटल में पहुंचाता है, अपने शरीर को खून देता है। सिर्फ अपने पंचायत का नहीं अदर पंचायत में भी सर्वे करा लीजिए कि बढ़हरा विधानसभा के एक ऐसा प्रत्याशी हो, यदि मंजीत शाह को यदि जे टैलेंट ही नहीं होगा तो जनता उसको स्वीकार कैसे करेगी? मंजीत शाह हर जनता के दिल में बसा हुआ है, पूरा बढ़हरा विधानसभा के दिल में बसा हुआ है। मंजीत शाह एक पढ़ा लिखा नौजवान छात्र है, बहुत अनपढ़ और घसघरा नहीं है। मंजीत शाह बहुत पढ़ा लिखा है और उसमें टैलेंटी है कि हम विश्वास करते हैं कि बढ़हरा विधानसभा को सकल सूरत बदलने में पूरा ये सहयोग देंगे। बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे ये मंजीत शाह के पिताजी हैं जो कि अभी तत्कालीन यहाँ के मुखिया हैं और हमें जहाँ तक लगता है कि माता पिता का दिल से जो आवाज निकलती है, जो दिल से जो आशीर्वाद होता है, निश्चित तौर से पुत्र को लगता है और इनका स्नेह और इनके आंखों में जो खुशी का जो आंसू दिख रहा है ये स्पष्ट बता रहा है कि नहीं, बढ़हरा विधानसभा की जनता अब की बार हमारे पुत्र पे विश्वास जरूर करेगी। बढ़हरा विधानसभा के कायाकल्प बदलने के लिए एक बार चांस
मंजीत शाहबाग को जरूर देगी। आइए और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, इन लोगों से बात करते हैं। आप क्या बताएंगे चाचा, क्या लगता है मंजीत शाहबाग बढ़ारा विधानसभा के लिए विधायक के रूप में सही है कि आप किसी और को वोट देंगे? इन्हीं को देंगे। अच्छा आप क्या बताएंगे? मंजी भैया को जिताएंगे। मंजी भैया को जिताएंगे। ऐसी क्वालिटी है उनमें? हाँ भैया, विधायक बन सकते हैं, एकदम बन जाएंगे। आइए और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताइए किसको वोट देंगे? अच्छा आप बताइए, मंजीत साहब को वोट देंगे। मंजीत साहब को जिताएंगे? हाँ, हम फुल सहयोग देंगे इसको, हम अपना पूरा परिवार पलटन भी लगा दूंगे इसके लिए। हम इसके पहले तो सरोज यादव विधायक थे, वो बढ़िया काम नहीं? हम लोग अपना मर्जी के बात है सर, ऐसे क्यों बोले? आप इन्हीं को देंगे? हम लोग इन्हीं के चाहते हैं। अपने अपने मर्जी के मालिक आम जनता है, वो किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहती है, लेकिन इन लोगों ने ठानी है कि अब की बार मंजीत शाहबाग को ही विधायक बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्धि न्यूज चैनल से सुख तिवारी, कैमरा पर्सन विकास के साथ, थैंक यू।